गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और चैप्टर है फर्स्ट मेडिसिंस इन प्लांट्स में आगे के टॉपिक में बात कर चुके हैं। अब उसका नेक्स्ट है तभी द एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर्स दे कैन रिलेट द यूज ऑफ नाइट्रोजन फिल्टर्स वेयर लेगुसियम प्लांट्स एंड ग्रोन विद मोस्ट ऑफ द पल्स अपटेन द लेगुसियम इन द प्लांट्स मोस्ट ऑफ ओके जो पल्स होते हैं ना डाल उसमें ये सारे मिनरल्स वेल बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं कि जो हमें लैब वगैरह में बहुत सारा मात्रा में प्रोटीन वगैरह होता है। तो नाइट्रोजन की जो गैसेस जो हम डालते हैं ना फार्मर्स उसमें तो उस जो हम पल्स की जब खेती करते हैं किसकी क्योंकि पल्स की जब दाल की हम खेती करते हैं ना दाल की तो वे दाल की खेती में क्या है तो वे नाइट्रोजन की जो लेंथ है ना जो जरूरियात है ना वो कम होती है। जैसे फार्मर्स होते हैं ना हमारे फार्मर्स तो वो पल्स की खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन द चैप्टर यू लर्न द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इज अ हेटरोट्रॉपिक्स। आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हो कि मोस्ट ऑफ प्लांट हेटरोट्रॉपिक्स मीन्स क्या होता है कि अपने हिसाब से ही जो प्लांट है ना अपना वो अपने हिसाब से हमारा फूड है वो बना लेता है। बट ओनली फ्यू प्लांट्स आर हेटरोट्रॉपिक एंड एंडोट्रॉपिक। बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी और पे निर्भर होते हैं किसी और का खाना जो देता है उसको वो खाना अब्सॉर्ब करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया कुछ देते हैं तो फिर उसमें से वो प्लांट्स ग्रो कर देता है और फिर जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशंस है वो बैक्टीरिया अब्सॉर्ब करता है। कल मैंने आपको बताया था अमृतवेल के बारे में। अमृतवेल एक स्टेटोस्फीयर जो है वो जो कोई कीड़ा हो उसको ऑब्जर्व करता है आके उसमें से जो मिनरल्स होते हैं मिलता है ना वो ऑब्जर्व कर देते हैं। दे गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑल एनिमल्स आर कैटेगरीज एज द हेटरोट्रॉपिक सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो एनिमल्स और फूड प्लांट्स है ना वो एनिमल्स और फूड को दोनों को ऑब्जर्व करते हैं कि रूट्स में से जो चीज मिलती है उसको भी ले लेते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो कीटों को छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। कैन वी से द इंसेक्ट प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड हाइड्रोट्रॉपिक्स। इसमें क्या होता है कि भाई जो कोई भी प्लांट से किसी और का जो खाना जो छोटे छोटे कीड़े हैं उसको उसमें से जो निकलता है ना वो गल सड़ के गल जाते हैं जब वो उसके कोई भी प्रोटीन्स वगैरह निकलता है तो उसमें वो प्लांट्स जो करके वो प्लांट्स ग्रो हो जाता है। कल अमृतवेल का मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि अमृतवेल में जो भी प्लांट्स है वो इस तरह से ग्रो आगे बढ़ते। तो एनिमल्स जो हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं हाइड्रोट्रॉप्स में क्या आता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे चीज़ें आ जाती हैं मिनरल्स वगैरह होते हैं न्यूट्रिशंस होते हैं प्लांट्स के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं इसलिए हमारा प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो आपने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी है न्यूट्रिशन से ना प्लांट्स में कि भाई प्लांट कैसे ग्रो होता है कौन कौन से टाइप्स के बैक्टीरिया के बैक्टीरिया में कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका यूज हम प्लांट करता है और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो बेच बीच के यूज में चले जाते हैं। फिर है फंगस। फंगस में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं कि जो हम खा सकते हो कुछ फंगस है जो नहीं खा सकते जैसे कि मशरूम वगैरह है वो हम खा सकते हैं बट जो जो हमारे दाग वगैरह में कुछ लकड़ियों में जो वाइट फंगस लग जाती है उसका हम खाने में यूज नहीं कर सकते वो टाइप्स की फंगस वैसे होती है। फिर फार्मर्स को भी कुछ फंगस ऐसी होती है कि जो हेल्प करती है और कुछ उसके जो क्रॉप्स है उसको बिगाड़ते हैं। ओके ये था हमारा न्यूट्रिशन से प्लांट की प्लांट्स को